हेलो एवरीवन एपी नर्सिंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है गाइस हम लोग फिफ्टी क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं जो कि जैसे रिम्स के स्टाफ नर्स के, के लिए एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है साथ ही साथ ये जितने भी आ, स्टाफ नर्स के कॉम्पिटेटिव अपकमिंग एग्जाम है सबके लिए ये क्वेश्चन जो है कि इंपॉर्टेंट जो होता है ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रिकमेंडेड मैक्सिमम नोइज लेबल मैक्सिमम नॉइज लेबल यहाँ पे कितना रिकमेंडेड होता है ओके सो फर्स्ट ऑप्शन है एट्टी फाइव डेसीबल ऑप्शन बी नाइन्टी डेसीबल ऑप्शन सी एटी डेसीबल ऑप्शन डी है सेवनटी फाइव डेसीबल करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वन दैट इज एटी फाइव डेसीबल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है अन अपर लिमिट ऑफ नॉइस ओके विच जहाँ पे कि विच पीपल कैन टोलरेट विदाउट डैमेज देयर हियरिंग अपर सबसे हाईएस्ट लिमिट लोएस्ट भी होता है हाईएस्ट भी ओके सो आप सबसे हाईएस्ट लिमिट का जो नॉइज होगा ठीक है यहाँ पे वो कितना एक पीपल जो है वो टोलरेट कर सकता है या फिर विदाउट ये डैमेजिंग देयर हियरिंग और देयर ईयर ठीक है वो बिना डैमेजिंग के ये सुन सकता है सबसे हाईएस्ट लिमिट ठीक है तो ये कितना होगा इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसका नॉर्मल ठीक है तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा जो करेक्ट आंसर होगा 85 एटीफा इस, इस तरह से क्वेश्चन जो है कि थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में तो आप एग्जाम क्वेश्चन को जरूर अच्छे से पढ़िए समझिए उसके बाद ऑप्शन करना है करेक्ट आंसर करना है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन दी एयर इज रिकमेंडेड विथ ओके यहाँ पे रिकॉर्डेड uh, विथ ठीक है सो so, यहाँ पे अमाउंट ऑफ ए मॉइस्चर uh, बोल रहा है कहाँ पे इन एनवायरनमेंट और इन एयर ठीक है सो so, ये किस चीज़ से रिकॉर्ड होता है रिकॉर्ड किया जाता है ऑप्शन ए है एनेमोमीटर ऑप्शन बी है हाइग्रोमीटर ऑप्शन सी है बैरोमीटर ऑप्शन डी है सिक्स थर्मोमीटर सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी दैट इज ए हाइग्रोमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग पेनिसिलिन हैज द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन निम्नलिखित में से कौन से पेनिसिलिन में सबसे ज़्यादा लोंगे सबसे ज्यादा नोट ज्यादा सबसे लंबे टाइम तक ड्यूरेशन ठीक है ये, उसका एक्शन रहता है ठीक है सो ऑप्शन ए है पोटासियम फिन पोटासियम थेनीसिलिन ऑप्शन बी है बेंजाथिन पेनिसिलिन ऑप्शन सी है प्रोकेन पेनिसिलिन जी ऑप्शन डी बेनेथामिन पेनिसिलिन सो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी दैट इज ए बेंजाथीन पेनिसलिन हैज ए लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द अदर नेम ऑफ थम फॉरसेप थंब फोसेप का सेकेंड नेम दूसरा नाम क्या है सो ऑप्शन ए है निडल होल्डर ऑप्शन बी मोस्क्रिटो फॉरसेप ऑप्शन ऑप्शन सी है केले फॉसेप ऑप्शन डी है माउस चित्त सो so, यहाँ पे करेक्ट इज अ ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट आंसर दैट इज अ माउस चित्त नेक्स्ट क्वेश्चन सर्जिकल नीडल्स आर ठीक है सर्जिकल नीडल्स क्या हैं इनमें से सो ऑप्शन ए है फिफ्थ बाई एट सर्कल्स ऑप्शन बी स्ट्रेट ऑप्शन सी वन बाई फोर्थ सर्कल ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबब करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दी अबब नेक्स्ट क्वेश्चन टेम्प्रोरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज वाटर का जो टेम्प्रोरी हार्डनेस होता है ये और क्या कहा जाता है ऑल्सो कोल्ड सो ऑप्शन ए है क्लोराइड हार्डनेस ऑप्शन बी सोडियम हार्डनेस ऑप्शन सी कार्बोनेट हार्डनेस ऑप्शन डी नन करेक्ट आंसर इज अ ऑप्शन सी वन इज अ करेक्ट आंसर दैट इज अ कार्बोनेट हार्डनेस नेक्स्ट क्वेश्चन एनिमोमीटर इज़ यूज टू मेजर्स एनिमोमीटर्स का यूज़ जो किया जाता है किसको मेजर करने के लिए सो ऑप्शन ए एयर टेम्परेचर ऑप्शन बी एयर वेलोसिटी ऑप्शन बी सी है ह्यूमिडिटी ऑप्शन डी एयर पोल्यूशन करेक्ट आंसर गाइज ऑप्शन बी दैट इज़ ए एयर वेलोसिटी इट इज मेजर्ड बाई द एनिमोमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोविंग इज नोट एंड अची ब्यूट ऑफ अ प्रोफेशनल एक प्रोफेशनल का यहाँ पे एट्रीब्यूट नहीं है ये क्या निम्नलिखित में से क्या है ऑप्शन ए है कंसर्न विथ क्वांटिटी ऑप्शन बी कंसर्न विथ क्वालिटी ऑफ आउटकम ऑप्शन सी इंडिपेंडेंट ऑप्शन डी है सेल्फ डायरेक्टेड करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए दैट इज अ कंसर्न विद क्वांटिटी इट इज अ नोट एन एट्रीब्यूट ऑफ अ प्रोफेशनल नेक्स्ट क्वेश्चन अ नर्स इन द क्रिटिकल केयर यूनिट एक्सप्लेन टू दी क्लाइंट एंड फैमिली रिगार्डिंग द फ्यूचर फ्यूचर ट्रीटमेंट एंड सर्जरी ऑप्शन हियर नर्स इज ए परफॉर्मिंग द रोल ऑफ एक नर्स होती है जो कि कहाँ पर क्रिटिकल केयर यूनिट में एक्सप्लेन कर रही होती है क्लाइंट को एंड फैमिली मेम्बर्स को रिगार्डिंग द फ्यूचर ट्रीटमेंट एंड सर्जरी ऑप्शन सो यहाँ पर नर्स का रोल क्या है ओके सो नर्स कौन सा रोल परफॉर्म कर रही है करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए है एडवोकेट ऑप्शन बी केयर गिवर ऑप्शन सी रिसर्चर ऑप्शन डी है लीडर करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए दैट इज़ ए एडवोकेट नेक्स्ट क्वेश्चन कोटरीमा कोट्रीमाजाजोल्स इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टू ड्रग्स ऑप्शन ए सल्फोनामाइड एंड पेनिसिलिन ऑप्शन बी है सीप्रोफ्लोक्सासिन एंड मेथाजोल्स ऑप्शन सी ट्राइमेथोप्रीम एंड सल्फामेथो ऑप्शन सी टेट्रासाइक्लिन एंड कार्बाम सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन सी है ट्राई मेथोप्रीम एंड सल्फाम मेथो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन वन ऑफ द मेजर साइड इफेक्ट ऑफ सल्फोनामाइड इज इन इनमें एक मेजर साइड इफेक्ट किसका हो सल्फोनमाइड का क्या है फर्स्ट ऑप्शन ए है ओटोटोक्सिसिटी ऑप्शन बी रिनल कैलकुलाई ऑप्शन सी टीनी ऑप्शन डी है वर्टिगो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा गाइज और रिनल कैल्कुलाई इज़ अ साइड इफेक्ट ऑफ सल्फोनामाइड ड्रग नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रग इंडिकेटेड इन इन्फेंट इनमें से कौन सा ड्रग्स जो की है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन्फेंट के लिए ऑप्शन ए है सीप्रोफ्लोक्सासिन ऑप्शन बी बार्बीचूरिएट ऑप्शन सी थियोफेलिन ऑप्शन डी क्लोरोक्विन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सीप्रोफ्लोक्सासी इज अ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन इन्फेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट डोज ऑफ पेनिसिलिन इज़ एडमिनिस्टर्ड थ्रू रूट पेनिसिलिन का जो टेस्ट डोज दिया जाता है एडमिनिस्टर्ड किया जाता है वो कौन से रूट से किया जाना है ऑप्शन ए इंट्राडर्मल ऑप्शन बी इंट्रा ऑप्शन सी इंट्रावेनस ऑप्शन डी सबक्यूटेनियस करेक्ट आंसर इजा ऑप्शन ए दैट इज़ अ इंट्राडर्मल नेक्स्ट क्वेश्चन

कब में ड्यूरिंग द बेड मेकिंग के टाइम पे बेड मेकिंग के टाइम पे ओके यहाँ पे ऑप्शन ई है स्ट्रीप और लिनन एट द सेम टाइम ऑप्शन बी एमरेंस सोइल्ड लिनन ऑप्शन सी है फैनिंग सोइल्ड लिनन ऑप्शन डी है फ़िनिश्ड बोथ ए एंड अट बोथ साइड अट दी टाइम सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है फैनिंग सोइल्ड लिनन नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट ए नेचुरल पेनिसलिन निमान में से कौन सा जो मेडिसिन ड्रग्स यहाँ पे है जो कि नेचुरल पेनिसिलिन नहीं है कौन सा पेनिसिलिन नेचुरल पेनिसिलिन नहीं है ऑप्शन ए है एम्पीसिलिन ऑप्शन बी बेंजाइल पेनिसलिन जी ऑप्शन सी है बेंजाथिन पेनिसिलिन ऑप्शन डी है प्रोकेन पेनिसिलिन जी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एम्पीसिल नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्राइमरी सिप्लिसिस प्राइमरी सिप्लिस के लिए गैस ड्रग ऑफ चॉइस क्या है ऑप्शन ए है एम्पीसिल ऑप्शन बी बेंजाथिन पेनिसिलिन ऑप्शन सी रिथ्रोमाइसिन ऑप्शन डी टेट्रासाइक्लिन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज ए बेंजाथिन पेनिसिलिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर दि प्राइमरी सीफिल नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रग ऑफ चॉय फॉर केमोप्रोफैलैक्सिस अगेंस्ट रोमैटिक फीवर रिमैटिक फीवर के लिए केमोप्रोफैलैक्सिस कौन सा ड्रग चॉइस है ऑप्शन ए है पेनिसिलिन, बी ऑप्शन बी इरेथ्रोमाइसिन ऑप्शन सी बेंजेथिन पेनिसिलिन, ऑप्शन डी प्रोकेन पेनिसिलिन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बेंजेथिन पेनिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी माइक्रोबियल एजेंट इज मोस्ट यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ अमोबिक डिसेंट्री निमान में से कौन से माइक्रोबियल एजेंट है जो कि मोस्ट यूजफुल होता है इन ट्रीटमेंट ऑफ अमोइबिक डिसेंट्री में ओके ऑप्शन ए है ऑप्शन बी सीप्रोफ्लोक्सा ऑप्शन सी मेट्रोनिंडाजोल ऑप्शन डी है ओप्लोक्सासिन करेक्ट आंसर इजो ऑप्शन सी दैट इज अ मेट्रोनिंडाजोल नेक्स्ट क्वेश्चन प्लासेंटा अकस इन ऑल एक्सेप्ट इनमें अब्रोप्लासेंब्रो प्लासेंटा जो है इनमें सभी में होगा सिवाय एक के एक को छोड़ के ठीक है ऑप्शन ए है स्मोकर ऑप्शन बी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन ऑप्शन सी जेस्टेशनल डायबिटीज मलाइटस ऑप्शन डी फोलिक एसिड डिफिशियसी ओके सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी जेस्टेशनल डायबिटीज मलाइटस ओके सो रेस्ट ऑफ थ्री ए बी एंड डी ये जो है वो अब्राप्सियो प्लासेंटा इस तीनों में देखने को मिल सकता है तीनों के साथ ठीक है एक्सेप्ट दी जेस्टेशनल डायबिटीज मलाइटस नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रग्स यूजफुल अगेंस्ट बैक्टीरिया रेजिस्टेंस टू पेनीसिल इंक्लूड्स ओके यहाँ पे ये ड्रग्स यूज किसमें बोल रहा अगेंस्ट दी बैक्टीरिया रेजिस्टेंस ठीक है सो ऑप्शन ए है सेफेलोस्पोरिन ऑप्शन बी इरेथ्रोमाइसिन ऑप्शन सी अमोक्सिसिन ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी करेक्ट आंसर बोथ ए एंड बी से एंड रेथ्रोमाइसिन नेक्स्ट क्वेश्चन ओटोटोक्सिसिटी इज मैक्सिमम विथ ओ इनमें से किसका साइड इफेक्ट हो फिर इन ड्रग्स में से किसकी वजह से किसके कौन कॉज करता है हैिटी टो, को फिर मैक्सिमम देखने को किसमें मिलता है ओके सो ऑप्शन ए है स्टेप्टोमाइसिन ऑप्शन बी कानामाइसिन ऑप्शन सी टोबेरा टोबरामाइसिन ऑप्शन डी है अमिकासिन करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी दैट इज ए अमिकासिन नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ दी फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ड्रग्स कॉज इस ऑटोटॉक्सिसिटी एंड नेप्रोटोक्सिसिटी निमनलिखित में से कौन से ग्रुप के ड्रग्स जो हैं वो कि क्या कॉज करते हैं ऑटोटोक्सिसिटी एंड नेप्रोटोक्सिसिटी ऑप्शन ए अमीनोग्लाइकोसाइड्स ऑप्शन बी फ्लोरोक्वीनिल्स ऑप्शन सी है पेनिसिलिन ऑप्शन डी है सल्फोन करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है दैट इज अमीनो ग्लाइकोसाइड्स नेक्स्ट क्वेश्चन इन लेप्रोसी द बेस्ट बैक्ट्रीसाइडल एजेंट इज लेप्रोसी में सबसे बेस्ट बोल रहा है बेस्ट बैक्ट्रिसाइडल एजेंट कौन से हैं सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है रिफाम्बिसीन नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लीडिंग ड्यू टू द प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ अ नॉर्मल सिचुएटेड प्लासेंटा इज कॉल्ड ओके सो ब्लीडिंग अकर हो रहा है ब्लीडिंग हो रहा है ड्यू टू प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ किसका प्लासेंटा का ठीक है कहाँ पे नॉर्मल प्लासेंटा स्टार्टिंग में वो नॉर्मली सिचुएशन अपनी जगह पे सिचुएटेड था बट यहाँ पे प्री मैचोर सेपरेशन हो गया प्लासेंटा का एंड इसकी वजह से क्या हो रहा है ब्लीडिंग हो रहा है सो so, इसे क्या वर्ड कहा जाता है यह टर्म क्या टर्म कहा जाता है इसे ऑप्शन ए है प्लासेंटा प्रीबिया ऑप्शन बी इंसिडेंटल हेमरेज ऑप्शन सी पोस्ट पार्टम हेमरेज एंड ऑप्शन डी अब्रप्सियो प्लासेंटा करेक्ट आंसर इज अ ऑप्शन डी दैट इज अब्रप्सियो प्लासेंटा नेक्स्ट क्वेश्चन विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोट ए फीचर्स ऑफ प्री प्री एक्लाम्सिया निम्नलिखित में से प्री एक्म्पसिया के फीचर्स कौन नहीं हैं ओके सो ऑप्शन ए है फिट्स ऑप्शन बी डैम ऑप्शन सी हाइपरटेंशन ऑप्शन डी प्रो प्रोटीन यूरिया यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा फिट्स फिट्स इज अ फीचर्स नोट ठीक है ये फीचर्स नहीं है किसका प्री एक्म्पसिया नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपर टेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी इज प्रेगनेंसी में क्या है प्रेगनेंसी का हाइपर टेंसिव डिसऑर्डर क्या है ऑप्शन ए है स्टेज टू हाइपर टेंशन ऑप्शन बी फ्री हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी एक्लैम्सिया एंड नन करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी एक्लैमसिया इज अ क्या है हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी नेक्स्ट क्वेश्चन एच आई बी ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू फीटस अकर मोस्ट कॉमनली ड्यूरिंग बच्चे में ठीक है फीटस में बोर्न बेबी में क्या होना ये क्या होता है फीटस um, में बोर्न फीटस जब अब एट अ टाइम डिलीवरी ओके okay. सो ट्रांसमिशन ऑफ किसका एच आई बी एच आई बी ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू फीटस मदर से बच्चे फिटस में क्या हो रहा है एच आई बी ट्रांसमिशन हो जाना है और मोस्ट कॉमनली का ट्रांस ट्रांसमिशन हो जाता है ठीक है मोस्ट कॉमनली कहा गया है यहाँ पे ड्यूरिंग uh, कब सो so, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेकेंड ऑप्शन सेकेंड ट्राइमेस्टर थर्ड ट्राइमेस्टर एंड डिलीवरी सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डिलीवरी सो डिलीवरी ड्यूरिंग अ डिलीवरी क्या होता है छाइबी ट्रांसमिशन हो जाना है फ्रॉम अ मदर टू अ फिटर्स नेक्स्ट क्वेश्चन एक इज मोस्टली सीन ऐट एंटीपैटम पीरियड इंट्रा पैटम पीरियड पोस्ट पैटम पीरियड एंड ड्यूरिंग पैच्येशन करेक्ट आंसर इज फर्स्ट वन दैट इज एंटी पीरियड नेक्स्ट क्वेश्चन डेथ ऑफ मदर इन अब्रब्स्यो प्लासेंटा का ड्यू टू अब्रप्सियो प्लासेंटा के टाइम पे डेथ हो जाना है मदर का सो ड्यू टू ये ड्यू टू ऑप्शन दिया हुआ फर्स्ट वन इन्फेक्शन ऑप्शन बी टॉक्सिमिया टॉक्सीमिया ऑप्शन सी है हेमरेज एंड ऑप्शन डी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस सो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी दैट इज अ अमरेज सो डेथ ऑफ द मदर इन अब्राब्सो प्लासेंटा अकर्स ड्यू टू अमरेज नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रीटमेंट ऑफ हाइडिटिफोमोल मोल इन फोर्टी यर्स ओल्ड वुमेन इज़ फोर्टी चालीस साल के वुमन uh, में क्या है हाइडेटिटी फॉर्म मोल हो गया है सो so इसका ट्रीटमेंट क्या यूज़ करना है सो so यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या लेना चाहिए ऑप्शन ए है his,

आंसर इज हियर ऑप्शन करेक्ट आंसर इज है ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन पैथोजेनोमोनिक फीचर्स ऑफ एबडोमिनल प्रेग्नेंसी इज ओके सो यहां पर एबडोमिनल प्रेग्नेंसी ओके सो पैथोजेनोमोनिक फीचर्स पूछ रहा है और फीचर्स बोल रहा है किसका कब में फीचर्स ऑफ अबडोमिनल प्रेगनेंसी सो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन ए है फीटर्स अपीयर लैटरल टू लंबार स्पाइन ऑन एक्सरे ऑप्शन बी स्मॉल यूट्रस ऑप्शन सी फीटर्स इजीली पालपेबल और ऑप्शन डी है पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए फीटर्स अपीयर्स लैटरल टू लंबा स्पाइन ऑन एक्सरे ठीक है एक्सरे के में ये दिखने को मिल जाएगा ओके ऑप्शन सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्यूबल प्रेग्नेंसी द ट्यूब मे रैप्चर कॉजिंग इज ओके ट्यूबल प्रेग्नेंसी में क्या हो रहा है द ट्यूब में रैप्चर रैप्चर हो जाता है दिस काजिंग इज ऑप्शन ए है सडन नाइप लाइक पेन पेन इन लोअर क्वाड्रेंट नेक्स ऑप्शन है पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग ऑप्शन सी कंटिन्यूस डल पेन इन लोअर आबडोमिन एंड ऑप्शन सी डी है इंटरमीडियन आपडोमिनल कॉन्ट्रैक्शन ठीक है सो यहाँ पे ट्यूबल प्रेग्नेंसी के टाइम पे ट्यूब जो है फिलपियन ट्यूब का रैप्चर हो जाना मे रैप्चर एंड ड्यू टू दिस क्या होता है Uh, क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकता है कौन सो so, यहाँ पे होगा ऑप्शन ए सडन नाइप लाइक एबडमिनल पेन इन लोअर क्वाड्रेंट नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस में लीड टू हाइपोग्लाइसीमिया इन अ प्रेगनेंट वुमेन विथ डायबिटीज ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन क्या कंडीशन निम्नलिखित में से क्या कंडीशन हो सकता है मे लीड क्या करना है मे लीड टू हाइपोग्लाइसीमिया किन में इन प्रेगनेंट वीमेन विथ डायबिटीज़ ठीक है सो so, यहाँ पे वेट गेन है ऑप्शन बी है हाइपर हाइपर एमेसिस ऑप्शन सी है अलब्यूमिन्यूरिया ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबब सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हाइपर एमेसिस नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग पेरीफेरल रिसेप्टर, एक्सेप्ट ऑल स्टेटमेंट, इसमें सारे स्टेटमेंट ट्रू रहेंगे ऑप्शन केवल एक जो रहेगा वो कि उसको छोड़ के ठीक है ऑप्शन ए है लोकेटेड इन कारोटेड बॉडी ऑप्शन बी रेस्पॉन्ड टू इंक्रीज पार्सल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन सी हैव टाइप सेकेंड एपिथिलियल सेल ऑप्शन है डज नॉट रिस्पोंड टू फॉल इन पासर प्रेसर व ऑक्सीजन ओके सो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ठीक है एक्सेप्ट ऑल बाकी रेस्ट ऑफ दी थ्री आर टू एक्सेप्ट दिस वन डज नॉट रेस्पॉन्ड टू फॉल इन अ प्रेशर प्रेसर ऑक्सीजन नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ दिस बॉडी सिस्टम इज इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है विच ऑफ दिस बॉडी सिस्टम इनमें से क्या कौन से सिस्टम ठीक है जो कि इन्वॉल्व होता है इन द रिमूव रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए विद इन थ्रू मतलब हमारे ह्यूमन बॉडी से ठीक है सो तो यहाँ पे क्या होगा रिस्पिरेटरी सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम यूरिनरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम सो करेक्ट आंसर इज अ फर्स्ट वन दैट इज़ अ रिस्पिरेटरी सिस्टम ठीक है इट इज़ इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नेक्स्ट क्वेश्चन इन ह्यूमन बॉडी अनऑक्सीजनेटेड ब्लड इज प्योरीफाइड बाय ह्यूमन बॉडी में अनऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो प्योरीफाइड uh, होता है किसके थ्रू ठीक है ऑप्शन ए है हार्ट ऑप्शन बी लंग्स लीवर और किडनी करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन बी ठीक है ये आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है समझना है ठीक है यहाँ पे प्यूरीफाई पूछ कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे द एवरेज टाइडल वॉल्यूम इज एवरेज टाइडल वॉल्यूम कितना होता है 500 हंड्रेड एम एल टू फिफ्टी एम एल वन फिफ्टी एम एल एंड सिक्स हंड्रेड एम एल सो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए होगा दैट इज़ ए फाइव हंड्रेड एम एल नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन दाइव मोमेंट ऑफ हैंड वॉशिंग इनमें से इंक्लूड नहीं है नॉट इंक्लूडेड बोल रहा है नॉट इंक्लूडेड इन द फाइव मोमेंट ऑफ़ दी हैंड वॉशिंग कौन सा इंक्लूड नहीं है ऑप्शन ए बिफोर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग्स ऑप्शन बी बिफोर टचिंग अ पेशेंट ऑप्शन सी आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग्स ऑप्शन डी है आफ्टर बॉडी फ्लूड एक्सपोजर रिस्क सो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा बिफोर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग इसमें से नॉट इंक्लूडेड इन द फाइव मोमेंट हैंड वॉशिंग बोल रहा है ड्रग ऑफ चोइ ऑप्शन ए है पेनिसिन ऑप्शन बी रेथ्रोमाइसिन ऑप्शन सी सेप्ट्रेन ऑप्शन डी रिफाम्पीसिन करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन डी है रिफाम्पीसिन नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेशर सेट इन ऑटो क्लेप फॉर इस्टलाइजेशन इज ऑटो इस्टलाइजेशन के लिए कितना प्रेशर सेट किया जाना चाहिए कितना प्रेशर ये होता है ठीक है सो so, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है और आता है एग्जाम में ये ऑटो क्लेप का नोट यहाँ पे प्रेशर पूछ रहा है कहीं कहीं क्वेश्चन पे टेम्परेचर पे भी क्वेश्चन आता है ओके सो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए दैट इज यिफ्टीन पॉइंट नेक्स्ट क्वेश्चन एंड एजेंट विच पैथ थोजेनिक बैक्टीरिया इज कॉल्ड इनमें से जितने सारे एजेंट है इनमें से जो कि क्या कर क्या है ऐसा कौन सा एजेंट है जो कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया को किल करता है ऑप्शन ए एसेप्सिस ऑप्शन बी है डिसइंफेक्टेंट ऑप्शन सी फोमाइट ऑप्शन डी है बैक्टीरियोज करेक्ट आंसर डिस इन्फेक्टेंट डिस डिसइंफेक्टेंट एजेंट जो हैं जो क्या करते हैं किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया नेक्स्ट क्वेश्चन है ए नर्स स्टैंड टू प्रोटेक्ट द नीड्स एंड विशेज ऑफ द पेशेंट वट रोल डस ही एक्सिबिट ओके यहाँ पे क्या बोल रहा है एक नर्स जो है वो स्टैंड प्रोटेक्ट दी नीड्स पेशेंट के नीड्स एंड विशेज को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टैंड हुई है सो so, यहाँ पे कौन सा रोल प्ले यहाँ पे हो रहा है तो क्लाइंट एडवोकेट यहाँ पे नर्स एज ए रोल प्ले कर रही है क्लाइंट एडवोकेट का नेक्स्ट क्वेश्चन है इनोकुलेटिंग लूप ऑफ स्टेलाइजेश्ट बाई इनो इनोकुलेटिंग लूप जो है वो कि स्टेलाइज होता है किसके थ्रू में किसके बाई द्वारा ठीक है किसके द्वारा इसे स्टेलाइज किया जाता है ऑप्शन ए हॉट एयर ओवन ऑप्शन बी ऑटोक्लेब ऑप्शन सी फ्रेमिंग एंड ऑप्शन डी है रेडिएशन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज ए फ्रेमिंग नेक्स्ट क्वेश्चन द सोल्यूशन यूज थ्रू डिसइनफेक्टेंट डिस डिसइनफेक्ट द बेड लिनन ऑफ एच आई बी पॉजिटिव पेशेंट इज कौन सा सोल्यूशन यहाँ पे यूज होगा कि बिड एच आई बी पॉजिटिव पेशेंट के बेड लिनन को डिसइनफेक्ट करने के लिए ऑप्शन ए है साबलॉन ऑप्शन बी सोडियम हाइपोक्लोराइड ऑप्शन सी डिटोल ऑप्शन डी है लाइजोल करेक्ट आंसर इज है ऑप्शन डी दैट इज ए सोडियम हाइपोक्लोराइट नेक्स्ट क्वेश्चन द अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर फॉर डिसइनफेक्शन ऑफ थाउजेंड ग्राम गैलेंस थाउजेंड गैलेंस ऑफ वाटर इज ओके तो वन एक हज़ार गैलेंस वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए यहाँ पे अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर बोल रहा है कितना यूज होगा टू जो फर्स्ट बी uh, है वन ओज सेकेंड है फिफ्टी ग्राम टेन ग्राम करेक्ट आंसर यहाँ पे है टेन ग्राम यूज होता है नेक्स्ट है स्टेराइल टेक्निक इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेराइल टेक्निक को और क्या कहा जाता है ऑप्शन ए मेडिकल एसेप्सिस ऑप्शन बी सर्जिकल एसेप्सिस ऑप्शन सी ऑटोक्लेबिंग, ऑप्शन डी डिसफेक्शन करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन बी दैट इज ए सर्जिकल एसेप्सिस नेक्स्ट क्वेश्चन द सोल्यूशन यूज टू डिस द बेडलिनन ऑफ एच आई बी पेशेंट पॉजिटिव पेशेंट इज अब इनमें जितना भी ऑप्शन दिए गए हैं इन ऑप्शन में से सेबी पॉजिटिव पेशेंट के लिए बेडलिनन को डिसइनफेक्ट करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज होगा इसके पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट है इस तरह के क्वेश्चन बार बार मतलब ऑप्शन आंसर के ऑप्शन में अलग अलग आंसर दिए जाते हैं पूछे जाते हैं ठीक है थीके? तो करेक्ट आंसर इज जब फर्स्ट यहाँ पर डी वन होगा दैट इज ए सोडियम तो हाइपोक्लोराइड नेक्स्ट क्वेश्चन द फिल इन द ब्लैंक्स मेम्ब्रेन सराउंड द लंग्स ठीक है लंग्स को कौन सा मेम्ब्रेन जो कि सराउंड करके रखते हैं सराउंड रहते हैं उस कौन सा मेम्ब्रेन सो यहाँ पे है ऑप्शन ए है पेरिकार्डियल ऑप्शन बी मेडियस टीनम टैनल ऑप्शन सी है प्लूरल एंड ऑप्शन डी पेरिटोनियल सो करेक्ट आंसर यहाँ पे प्यूरल प्लूरल ओके प्लूरल मेम्ब्रेन सराउंड दी लंग्स सो आज का फर्स्ट क्लास का क्वेश्चन गाइस इतना ही था सो थैंक यू थैंक यू सो मच बी प्रिपेयर्ड एंड अच्छे से प्रिपरेशन करिए ओके थैंक यू